क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रोफेसर वीरेंद्र शर्मा है, प्रोफेसर वीरेंद्र शर्मा। सर यहाँ मुख्यमंत्री दीपचंद जी खट्टर आ रहे हैं जी, उनके बारे में आपका क्या विचार है आप बताइए। खट्टर जी एक बहुत ही ईमानदार इंसान है और बीजेपी का एक बहुत ही अच्छा चेहरा है। खट्टर जी का जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, इसमें जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, काम किए हैं, वो बहुत सराहनीय है। एक आम जनता, गरीब जनता के वो सच्चे प्रतिनिधि हैं। बहुत सारे कार्य, आज नौकरियां जो पहले बिकती थी वो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से उसमें चयन हो रहा है लोगों का, और जितने भी गरीब लोग हैं उनको अवसर प्रदान किया जा रहा है। कांग्रेस के टाइम में जो नौकरियां, चाहे वो HPSC की थी, SS बोर्ड की थी या किसी भी महकमे की थी, वो हमेशा बिकती थी, पैसों में बिकती थी। मैं स्वयं प्रोफेसर रहा हूँ, प्रोफेसर बना, मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, और मैं बहुत ही अच्छा विद्यार्थी होते हुए भी हर जगह पर मुझे बहुत समय व्यर्थ करना पड़ा। टैलेंटेड होते हुए भी जॉब नहीं मिल पाया, बहुत संघर्ष के बाद जॉब मिला था उस समय। तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ खट्टर जी और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो कुछ किया जा रहा है हरियाणा में, बहुत अच्छा किया जा रहा है। उनके ही एक बहुत अच्छे कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं जरावता जी, वो इस इलाके के अंदर बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इस इलाके को कि आम आदमी की आवाज़ खट्टर साहब तक, दूसरे प्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं और इस इलाके की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वो उनका अवसर मिलेगा इन चुनावों में, और यदि उनका अवसर दिया जाता है तो मैं कहता हूं कि ईमानदार और बहुत ही अच्छे नेता साबित होंगे वो, और जनता की बहुत अच्छी सेवा करेंगे। थैंक यू सर। हरियाणा से आप कितनी सीट दोगे? पहले तो मैं प्रगति मीडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूँ जो इतना अच्छा प्रोग्राम कवर करने के लिए ये टेलीकास्ट कर रहे हैं। और आपने जो पूछा कि हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, मुझे तो अब कोई ऐसा लगता ही नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस MP MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी की सीट ना हो। यहाँ तो सारी पब्लिक बीजेपी की हो गई है। जो है बीजेपी ने ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और पटौती हल्का में जो है ना जरावता जी, जो सत्तर का जरावता है, आम आदमी से जुड़े हुए और सच्चे ईमानदार कर्मठ युवा और सभी के हितैषी जो है ना, बहुत अच्छे योग्य उम्मीदवार जो है ना यहाँ से है। और खट्टर साहब जिस तरीके से अपना लोगों को जो है ना दिखा रहे हैं काम करके हरियाणा में ईमानदारी से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी लाइन के सतप्रकाश जरावता जी हैं और ये पब्लिक के बहुत चहेते हैं, और ये आप सबकी उम्मीदों पर, पब्लिक की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और इनका पब्लिक हृदय से सहयोग करना चाहती है। और बीजेपी पार्टी जो है ना निखर के अब की दफा और बढ़िया अवसर पब्लिक के लिए काम करने के देगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम, मैं चौधरी राजेंद्र सिंह मोटसरा। थैंक यू। यहाँ माता बहने बैठी है और उनसे राय लेते हैं। माता, बीजेपी के बारे में आप क्या कहना चाहती है? बीजेपी ने विकास किया कि नहीं किया? बीजेपी ने काम बढ़िया किया या खराब किया? अच्छा करे तो खराब, बढ़िया किया, कोई कमी नजर आ रही है बीजेपी की? तो यहाँ खट्टर जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आप आए हो। बहन जी आप बताओगी, जो आप यहाँ आई हो खट्टर के लिए आई हो या मोदी जी के लिए आई हो? खट्टर मोदी एक ही बात है। एक ही बात है। तो वोट मोदी को देना चाहोगी या खट्टर जी को देना चाहोगी? वो खट्टर मोदी के, खट्टर तो मोदी के ही हैं। अच्छा, अलग अलग है। तो हरियाणा का विकास एकदम सही हो रहा है? हां सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? कैमरा मैन अम्मा, खट्टर ने सही काम किया है या गलत काम किया है? जो मुख्यमंत्री आ रहा है काम बढ़िया कर रहा है? ये बढ़िया के हम तो बहुत दुखी पा रहा था, कत्ता मकान बढ़िया से ना कोई उतरा ना सावधान कोई। आप क्या कहना चाहती हो?
बताओगे तो।